दोस्तों आज के सोशल मीडिया के दौर में स्टोरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूथ जो है इसका यूज़ करते हैं। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है और आप फेसबुक पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लोगों ने अलग अलग तरह का स्टोरी लगा के रखा हुआ है। किसी ने वीडियो लगा के रखा हुआ है, किसी ने म्यूज़िक लगा के रखा हुआ है, किसी ने खुद का फ़ोटो लगा के रखा हुआ है और साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड करके रखा हुआ है। तो इन सभी में दोस्तों सबसे ज़्यादा भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है फ़ोटो के साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना। तो अगर आप ऐसे स्टेटस को देखते हैं और आपके मन में भी ये सवाल आता है कि यार ऐसे स्टेटस हम खुद के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम कैसे सीख सकते हैं कि फेसबुक में ऐसा स्टेटस क्रिएट करें, तो आइए इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में सीखते हैं। तो जानने के लिए वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखते रहना, और अगर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि स्टेटस अलग अलग तरह का हो सकता है, बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटो में बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करके आप अपने स्टोरी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको फेसबुक पे आना है, और सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ स्टोरी। सिंपली से इस प्लस वाले आइकन पे आपको टच करना है। उसके बाद आपके सामने जो है गैलरी ओपन हो जाएगा, उसमें से आपको वो फोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपको स्टोरी में डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऊपर में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहा होगा जिसमें लिखा है स्टिकर। सिंपली से आपको ये स्टिकर्स वाला ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक म्यूज़िक नाम का एक स्टिकर दिख रहा होगा, सिंपली आप इस म्यूज़िक वाले स्टिकर पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक का लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च म्यूज़िक का ऑप्शन है, अगर आपको कोई म्यूज़िक सर्च करना है जो आपको पसंद है, ठीक है, और वो म्यूज़िक इस लाइब्रेरी में है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिखा और यहाँ पे देखिए आ गया। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे देखिए आपको म्यूज़िक का जॉनरा मिल रहा है, यानी कि लव सॉन्ग, किस तरह का आपका मूड है, किस तरह का आप म्यूज़िक लेना चाहते हैं, लव सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, बॉलीवुड, हिंदी, जो भी जिस तरह का भी आप मूड का सॉन्ग लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है आपको बहुत सारा आपको गाना जो है सजेस्ट कर किया जा रहा है। ये सब वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए एक सॉन्ग को जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक सॉन्ग को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या किया दोस्तों, फ़ोटो को चूज़ कर लिया, म्यूज़िक को चूज़ कर लिया, अब कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जो है हम अपना स्टोरी को शेयर करेंगे फेसबुक पे। तो अभी आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी यहाँ पे देखिए ये जो वाइट वाला जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, जितना भी वाइट एरिया है इतना एरिया का ही गाना आपके स्टेटस पे बजेगा। उसके अंदर में आपको म्यूज़िक का वेव लेंथ दिख रहा है, वो आप उसको लेफ्ट राइट करके इस तरह से जो है चूज़ कर सकते हैं कि गाना आपको कहाँ से स्टार्ट करवाना है, 20 से लास्ट से, जहाँ भी आप रखेंगे उस एरिया के अंदर में गाना वहीं से प्ले होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आप देखिए मेरे फेस के ऊपर जो है वो गाना का एक थंबनेल आ गया है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको चार ऑप्शन अलग अलग मिल रहा है, ये चारों ऑप्शन से वो चेंज होगा, आप ध्यान से देखिएगा। उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वाले को टच किया वो ब्लैक हो गया, वाइट, उसको दिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसको दिए बड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, तो जिस इस पर आपको रखना है आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी ये हमने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इसी तरह रखना है। तो सिंपली से ऊपर में एक डन का ऑप्शन है, इस पर आपको टच कर देना है और ये आपके फ़ोटो के ऊपर आ चुका है। अब आप इसको बड़ा छोटा लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं, दो उंगली से टच कीजिए, इसको बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, लेफ्ट मोड़िए, राइट मोड़िए, जहाँ भी, यहाँ मुझे मान लीजिए ठीक लग रहा है इतना छोटा, तो मैं यहाँ पर ला के छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, तो अब मेरा वहाँ पे गाना भी बजेगा और वो दिखाई भी दे रहा है। ओके, अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस फोटो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो वो जो स्टिकर वाला ऑप्शन था उसके नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ठीक है, उसके नीचे में ये टेक्स्ट का, सिंपली आपको इस पर कुछ भी, मान लीजिए मुझे मी लिखना है तो मैंने यहाँ पर मी लिखा और ये जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मान लीजिए इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद नीचे में एक हाइलाइटर है, यानी कि पेंट करने का ऑप्शन है। अगर आपको अपने फ़ोटो में किसी चीज़ को हाईलाइट करवाना है, दिखाना है, ठीक है, तो आप उसको पेंट करके हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट का नीचे भी बहुत सारा कलर दिया हुआ है, आप जो भी कलर को चूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रेड चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, रेड चूज़ कर लिया। अब ये यहाँ पर ये ब्रश का साइज़ है, आप कितना मोटा कितना पतला जो है आप अपने ब्रश को रखना चाहते हैं और हाईलाइट करेंगे। मान लीजिए मैं इतना पतला रखाऊंगा और यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, देख रहे हैं, तो इस तरह से ये हाईलाइट हो गया। अब सिंपली मैं इसको डन कर दूंगा, ये डन हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा, चौथा,
चौथे नंबर पे जो है ऑप्शन वो है इफ़ेक्ट का, आपके जो फ़ोटो है उस पर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। मैं चेंज करता हूँ, आप देख पा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट अलग अलग चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट अलग अलग चेंज हो रहा है। तो मुझे ये इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली से यहाँ पे आऊँगा फर्स्ट वाले पे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद वाला ऑप्शन जो है दोस्तों ये है टैग का। अगर आप अपने फ्रेंड को टैग करना चाहते हैं अपने स्टोरी में, तो सिंपली इस पर टच करेंगे आपका फ्रेंड का लिस्ट आएगा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि जिस भी फ्रेंड को आपको टैग करना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिशन का, यानी कि अपने फ़ोटो को आप मोशन में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, अगर इस तरह का ट्रांजिशन चाहिए तो पहला वाला, अगर मुझे पैन करना है लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट तो इस तरह से ट्रांजिशन होगा, अगर जूम इन करना है तो इस तरह से होगा, जूम आउट करना है तो इस तरह से होगा, बट मुझे इस तरह से कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए मान लीजिए एक ट्रांजिशन हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको बीच में टच करते हैं, वो हट गया, सब कुछ हट गया। ओके, अभी जितना भी ऊपर में राइट साइड ऑप्शन था दोस्तों हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। उसके बाद एक और चीज़ आपको सेटिंग करना है, नीचे में देखिए आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो चीज़ सेट करना है कि आपको अपने स्टोरी किसको दिखाना है, पब्लिक को या फ्रेंड को या फिर स्पेसिफिक किसी फ्रेंड को। तो अगर फ्रेंड को दिखाना है तो फ्रेंड पे कर दो, कस्टम पे दिखाना है तो किसी स्पेसिफिक फ्रेंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं पब्लिक पे रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो चुका है कम्प्लीटली, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर टू स्टोरी जो है सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है और ये जो है अपलोड कर देगा मेरे स्टोरी पे। थोड़ा सा दोस्तों वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ओपन किया और देखिए जो जो इफ़ेक्ट मैंने वहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे हो गया और गाना भी जो है प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने म्यूट करके रखा है तो इसलिए आपको गाना नहीं सुनाई दे रहा है, बट आप जब आप सुनेंगे अपने फ़ोन में लाउड करके वॉल्यूम को तो आपको सुनाई देगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना सिंपल और कितना इजी तरीका था जिसकी मदद से हम लोगों ने सीखा अपने लिए ऐसा स्टेटस को क्रिएट करना। तो अब जो है दोस्तों आपको दूसरे का स्टेटस देखना नहीं होगा, अब जो लोग आपके स्टेटस को भी देखेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके, और अगर अभी तक आपने हमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और आज का सवाल दोस्तों आपसे यही है कि आप कौन से सोशल मीडिया पे जो है स्टोरी को अपलोड करना पसंद करते हैं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।